हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 6, फाइबर एंड फैब्रिक। ओके, सो फाइबर और फैब्रिक पे कल बहुत बड़ा डिस्कस कर लिया था, इसीलिए चैप्टर नहीं हो पाया था। सो थोड़ी बातें आपके माइंड में हो गई होंगी, ठीक है। सो कहाँ तक हो गया था मुझे खुद नहीं याद है। हाँ, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था कि अबाउट 30,000 ईयर्स एगो पीपल स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स स्किन। आज से लगभग 30,000 साल पहले क्या हुआ था, पीपल ने, इंसान ने एनिमल्स स्किन को कपड़े के रूप में पहनना स्टार्ट किया था, यूज़ करना स्टार्ट किया था। उसके पहले वो क्या करते थे, घास को अपने चारों ओर लपेट लेते थे बस, ठीक है। इस तरीके बस वो घास को ही अपने कपड़े समझते थे, ठीक है। व्हेन दी अर्ली पीपल स्टार्टेड फार्मिंग एंड सेटल्ड इन कम्युनिटीज़, जब अर्ली पीपल ने खेती किसानी चालू की और एक कम्युनिटी मतलब समाज में रहना स्टार्ट किया, दे लर्न टू वेव ग्रासेस, ठीक है। उन्होंने सीखा कि ग्रासेस को वेव कैसे किया जाता है, मतलब बुना कैसे जाता है, ठीक है। एंड ट्विक्स, ठीक है, किस तरीके से पांच जैसे डलिया नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये वेव और ट्विक्स कैसे किए जाते हैं, इनटू मैट्स, ठीक है, मैट्स देखा होगा ना, चटाई वगैरह, ठीक। एंड स्टार्टेड यूजिंग देम, और उसका मैट, उन मैट्स का जो घास की बनी हुई होती थी उनका इस्तेमाल करना सीख लिया, ठीक है। और आज भी देखो कई खसस वगैरह जो बोली जाती हैं येलो येलो टाइप की, उस टाइप से आज भी कई जगह मिलती हैं, ठीक है, मैट वगैरह। और जो विंडो में देखिए आगे साइड जो पड़ती है उस टाइप के भी बनते हैं। तो ये इसका जो यूज़ करना स्टार्ट किया था फार्मर्स ने, वो कब किया था, जब उसने फार्मिंग और कम्युनिटी में रहना स्टार्ट किया था, ठीक है। कहाँ पे थे, ट्विक्स मैट्स एंड स्टार्टेड यूजिंग देम, दे इवन यूज्ड द फर, वो फर का भी यूज़ करते थे एंड हेयर का, बालों का, ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है। पालतू जानवरों के जो बाल और फर होती थी उनका भी हमेशा यूज़ करते थे, इवन यूज्ड मतलब हमेशा यूज़ करते थे। एंड ट्विस्टेड देम इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, ठीक है, दैट वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, ठीक है। मतलब ट्विस्टेड देम इनटू लॉन्ग ट्रेंड्स, मतलब जब वो बाल बड़े हो जाते थे ना, फर बड़ी हो जाती थी तो ट्विस्ट कर लेते थे, उसको निकाल लेते थे, एंड दैट वर वोवेन इनटू फैब्रिक्स, और उसका वोव करके क्या करते थे ये लोग, फैब्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते थे। लेटर दे डोमेस्टिकेटेड शीप फॉर वूल एंड फाइबर, ठीक है। बाद में ये डोमेस्टिकेटेड जो शीप होती थी उसका वूल और फाइबर्स के लिए यूज़ करने लगे, ठीक है। शीप से ही तो वूल और फाइबर निकलता है। सो बाद में इन्होंने जो शीप होती था, शीप जानवर था एनिमल, उससे वूल और फाइबर का यूज़ करना भी सीख लिया। इन इंडिया कॉटन एंड हेम्प वर कल्टिवेटेड नियर दी बैंक्स ऑफ रिवर गंगा नियरली 5,000 ईयर्स एगो, ठीक है। इंडिया में कॉटन एंड हेम्प वर कल्टिवेटेड, ठीक है, कॉटन भी होता है, एक हेम्प होता है, ठीक है, फाइबर में ये भी एक नेचुरल फाइबर्स होता है, ठीक है। हेम्प वर कल्टिवेटेड नियर दी बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक है, उनका कल्टिवेशन गंगा के किनारे स्टार्ट कर दिया था आज से लगभग 5,000 साल पहले। इन एंशियंट इजिप्ट दीज फाइबर वर कल्टिवेटेड, उस टाइम पे जो एंशियंट इजिप्ट थे, दीज फाइबर वर कल्टिवेटेड, इस फाइबर को कल्टिवेट करते थे अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर नाइल, ठीक है। ये जो इजिप्ट है ये अफ्रीका में है ना, और अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल। तो इजिप्टियंस जो थे वो इस फाइबर्स का जो कॉटन और हेम्प है उसका कल्टिवेशन रिवर नाइल के किनारे करते थे। सिंस स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, ठीक है, वो स्टिचिंग को नहीं जानते थे, पीपुल सिंपली रैप्ड दी फाइबर टू कवर देयर बॉडी, ठीक है।
मतलब इसको ये एक कप स्टिचिंग मतलब समझ सकते हैं कि बुनना ये सही से इसका यूज़ करना नहीं जानते थे, सिर्फ क्या करते थे रैप कर लेते थे, ठीक है, रैप करके पहन लेते थे अपनी बॉडी में और वही इनका क्लॉथ हो जाता था। जैसे ये आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से रैप कर लेते थे बस। विद द इन्वेंशंस ऑफ द स्विंग निडल, जब स्विंग निडल जो सिलाई वाली पतली जो सुई होती हैं, देखा होगा आपने सुई धागा, ठीक है, जब स्विंग निडल्स का इन्वेंशंस हुआ, पीपुल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, तब पीपुल ने स्टार्ट कर दिया स्टिचिंग फैब्रिक्स का, मतलब बुने हुए कपड़ों का यूज़ करना, ठीक है, बुने हुए कपड़ों से बने जो कपड़े होते थे। बट इवन टुडे क्लोथ लाइक साड़ी, धोती एंड लुंगी आर यूज इन देयर अनस्टिच्ड फ्रॉम, ठीक है, ये जो साड़ी धोती और लुंगी का आज भी जो यूज़ होता है वो अनस्टिच्ड फॉर्म में ही यूज़ होता है, मतलब ये बिना सिलाई के आज भी पहनी जाती हैं। वेस्टर्न क्लोथिंग जो है हमारी सच एज द शर्ट एंड पैंट्स बिकेम पॉपुलर इन इंडिया ड्यूरिंग द 20th century। जो वेस्टर्न क्लोथ है शर्ट और पैंट, उसका जो प्रचलन हुआ है इंडिया में वो 20th century में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो एक यहाँ एक्टिविटी दी गई है टू फाइंड आउट हाउ क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, ठीक है। सो मेथड्स फ्रॉम योर लोकल टेलरिंग शॉप, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ वेरियस फैब्रिक्स, टेलर की शॉप जाएं और कई सारे फैब्रिक्स जो उसके यहाँ हैं, ठीक है, क्लोथ्स के जो पीसेस पड़े हैं उनको उठा लाएं। नाउ कट देम इनटू स्मॉल स्क्वायर शेप एंड पेस्ट देम ऑन अ चार्ट पेपर, ठीक है, उनको एक स्क्वायर उस पर क्या करेंगे पीसेस में कट कर लेंगे और एक चार्ट में उसको पेस्ट कर लें। आइडेंटिफाई दी मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करें, लेबल देम एज कॉटन, नायलॉन, सिल्क एंड वुल, ठीक है, जो कॉटन का हो उसको कॉटन से लेबल करें, जो नायलॉन का हो नायलॉन से लेबल करें, जो सिल्क हो सिल्क से लेबल करें और जो वुल हो उसको वुल से लेबल करें। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ फैब्रिक, ओके, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं इस फैब्रिक को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। नाउ टेक अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अब एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे एंड ट्राई टू सी दी वीविंग इन ईच फैब्रिक, ठीक है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो बहुत बड़े बड़े उसमें दिखाता है और उसको क्या करेंगे वीविंग इन ईच फैब्रिक, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या निकलेगा, इन ईच टाइप ऑफ फैब्रिक द थ्रेड्स आर इंटरवोवेन, जो थ्रेड्स होंगे वो इंटरवोवेन एक दूसरे में फंस के बुने हुए होंगे इन डिफरेंट पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स में, सिल्क का अलग होगा, वुल का अलग होगा, कॉटन का अलग होगा एंड नायलॉन का अलग टाइप से बना होगा, ठीक है। सो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वर्कशीट में भी देंगे और वीडियो जो है 7.5 और 7 मिनट का बनाते थे 8.5 मिनट का हो गया। सो बाय, टेक केयर, और रिक्वेस्ट बेटा वही याद रखिएगा, वीडियो को ज़रूर सीन करें, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम आपके लिए बैठे हैं, मैथ साइंस इंग्लिश और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लास लेते रहें। पर्सनली मैं मैथ और साइंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके भविष्य को देखते हुए, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।